हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आ गया मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, बट ये वाले ब्लॉग में मेरा भाई नहीं है, उसका इम्पोर्टेंट सूट था इसके लिए नहीं आ पाया। और ये ग्रुप राइड है तो पूरे ग्रुप के साथ मैं अकेले ही जाने वाला हूँ भाई के बिना। आज हम लोग जाएंगे उड़न साइड पे, मतलब एकदम छोटा सा राइड है वो। 12 बजे तक रिटर्न आ जाएगा घर पे, मतलब सुबह के 7 बजे हम लोग को निकलने का टाइम है और 12 बजे तक रिटर्न। लेकिन 7 इधर ही बज गया। मैंने मोबाइल में अलार्म लगाया था ना, वो अलार्म में मैंने, मतलब मेरा गलती क्या हो गया, सैटरडे संडे अलार्म बंद रहता है तो वही मेरा मिस्टेक हो गया। और बाद में सुबह को उठ के देख रहा हूँ ना, 6:15 हो रहा था। मैं बोला अरे बाप रे, आप ही तो किया। जैसे तैसे एकदम फटाफट फ्रेश होके आ गया, एकदम 7 बज गया, लगभग 7 मिनट बाकी है, फटक से पहुंचा। देख के लग रहा है लेट तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत जन आना बाकी है। बहुत जन आना बाकी है अभी तो, उतना भी लेट नहीं हुआ है, टेंशन नहीं है। भारत माता की जय। अभी घोड़बंदर की तो गाड़ी बंद पड़ गया था तो मैसेज डाला, पहले मैं पहुंचने में हूँ बस। फोन कर दो, फोन नहीं लग रहा है। उठ तो बोलो डायरेक्ट। और गुड मॉर्निंग, कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठेगा ही नहीं अभी। हम लोग हितेन भाई के लिए रुके थे, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे ना, कुछ मैसेज का रिप्लाई दे रहे तो निकल रहे हम लोग ऐसे, और बहुत टाइम रुक गए। अभी उनका फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, तो बोल रहे गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, अभी भी उधर ही रुका हो। अरे अभी और क्या कर सकते, नेक्स्ट टाइम देखते। आज वाले राइड में ना बहुत लोग पहुंच नहीं पाए, बहुत लोग पहुंच नहीं पाए टाइम। ऑयल गिरा है, ऑयल गिरा है पूरा रास्ते पे, अनबैलेंस हो गया था पूरा, पूरा ऑयल गिरा है उधर। रास्ते में ऑयल गिरा था, बच गए। ये तो ग्रुप राइड में प्रॉब्लम हो जाता। एक बार ग्रुप राइड में कोई गिरते है ना तो आजू बाजू में बाइक रहता है ना तो 3-4 लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा हुआ यार कंट्रोल हो गया। मॉर्निंग राइड में ना एक ही प्रॉब्लम रहता है, वो है सुबह को उठना, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार उठ के अगर निकल जाओगे ना, बहुत सुकून लगता है, मतलब अच्छा लगता है यार। सुबह सुबह मौसम एकदम ठंडा ठंडा रहता है, राइड करके भी मज़ा आता है।
यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हम लोग रुके हैं अभी। आज हम लोग का ग्रुप है जो लीड कर रहे हैं वो उनके पास हायाबुसा है, हायाबुसा लेके हम लोग को लीड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे रुके हैं। अब ब्रेक हो गया अभी 15-20 मिनट तक ना, नहीं सॉरी 10-15 मिनट ना, पूरा ऐसा ही रोड है। शॉर्ट राइड में ना थोड़ा रुक रुक के जाने का मजा आता है, मतलब फटक से खत्म नहीं कर देने का, वो ऑफिस वाला सीन हो जाता है फिर। आज मैं ना टैंक बैग वगैरह नहीं लाया था, ऐसे मैं लेके आया तो एक ही रीज़न है ना, गोप्रो का बैटरी चार्ज करने के लिए इजी रहता है इधर से कनेक्शन लेके। बट मैंने अभी सोचा है क्या अभी क्या ही लेके आओ, डायरेक्ट वायर लगा के चार्जिंग मार दूंगा अगर चार्जिंग ख़त्म हो गया तो। इधर मैं पहली बार आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं आया कभी ये रास्ते पे। वाओ बहुत सही लग रहा है देख के। पूरे ग्रुप अभी इधर रुके, व्यू बहुत अच्छा है। इधर से निकल जाएंगे, यहाँ पे पास में एक रिजॉर्ट है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और आप सीन का सीन देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। हम लोग सब कुछ निकल जाएंगे। पहुंच गए हम लोग सिलवाड़ो। ओके यहाँ पे रहने के लिए भी मिल जाता है।
अभी इधर रुके, देख सकते हैं ये जगह अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा है, मस्त जगह है। फैमिली के साथ आके ना वीकेंड में इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अभी बैठे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये आलू पराठा है, पूरी है, आलू की सब्जी है और अंडा भुर्जी है। और सूरज भाई क्या के लिए आपने? मैंने सब थोड़ा थोड़ा लिया है टेस्ट के लिए। ओके, सब टेस्ट करते हैं। मैं पाव नहीं लिया आज, जो अच्छा लगेगा अपने वो अपन रिटर्न लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड है। ब्रेकफास्ट इधर अनलिमिटेड है और अच्छा भी है, बहुत जगह भी अच्छा है, एक नंबर है भाई। दिखाओ ना, क्वालिफिकेशन में एक सिविल इंजीनियर हूँ, बाय प्रोफेशन एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ और बाय पैशन एक राइडर बहुत 20 साल से हूँ। तो अभी फाइनली जाके जब भी मैंने 3 साल पहले BMW की बाइक खरीदी, सोचा था लॉन्ग टूर करेंगे, राइडिंग करेंगे, तभी पता चला कि हमारे एरिया में डोंबिवली कल्याण से लेके बदलापुर अंबरनाथ तक कोई राइडिंग का स्टोर है ही नहीं। मुझे खुद को परचेस करने के लिए मुंबई तक जाना पड़ा। सो आई थॉट कि हमारे एरिया में ऐसा स्टोर होना चाहिए, और पैशन तो था, बाकी ग्रुप भी थे, कुछ लोग कनेक्टेड थे, तो सबने थोड़ा इंकरेज किया, तो मैंने जाके स्टोर ओपन किया, जो अभी आपको पता है जैसे चल रहा है। बाकी बस यही है, अगर कोई गियर लेना है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। Been driving from a quite long time now. पता नहीं कुछ चेतक से चालू किया है अभी तक तो है। So I've done a lot of bikes. Finally ended up in Abuja recently. पता नहीं like don't know what vehicle would be suiting me, but I'm trying all the vehicles. Yeah. Masters किया हूँ, planning engineer हूँ as a profession. That's it. You will see me in most of the rides. Thank you. Yay. उनके वजह से कहीं नहीं जाती थी, उनके वजह से कहीं नहीं जाती थी। वो राइडर राइडर की को ओनर है, वो को राइडर है, और कुछ ड्राइवर हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी वजह से आज ये सब देख पाई। क्या हो गया मिडिल में? आप सब मिडिल में। हां हां, कैमरास स्माइल एक्शन। मेरा नाम सूरज है, सबको पता है कि मैं राइडर राइडर में जॉब करता हूं। अभी अभी जस्ट इनको बाइक पसंद नहीं आई, ये GS 310 इन्होंने बेच दिया और मैंने ले लिया। अच्छा था। बस अभी आप सबके साथ में मेरे को राइड करने में और मजा आएगा। या बस अभी निकलने का टाइम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सब निकल रहे हम लोग। चले अच्छा था आज का ट्रिप, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना सही है। अभी ना बहुत छोटा राइड हो गया, एक लॉन्ग राइड मारना है ग्रुप के साथ, एक लॉन्ग राइड करना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट संडे जाते हैं उसके पास वाले संडे को, लेकिन जाना है। अच्छा है, एकदम हाथ छोड़ कर आराम से बैठ के चला सकते हैं। सोच रहा हूँ मैं इसमें भी क्रूज कंट्रोल लगा लूँ, देख सकते हैं आप लोग कि एकदम मस्त चल रहा है।
बस हम लोग अभी पहुंच गए, अभी डाइट एंड हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करो, इनका भी चैनल है, मेरा चैनल है, आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इनके लिंक दे देता हूँ मैं। हाँ, चैनल का नाम क्या बोला? जर्नीज ऑफ सूरज। जर्नी ऑफ सूरज, ओके चलो, ओके सपोर्ट करो, बाय बाय, जर्नी ऑफ सूरज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड में, चलो गुड नाइट, बाय बाय।